वेलकम बैक फ्रेंड्स, वी आर रेडी फॉर क्लास 10। और इट्स हार्ड टू बीट अ पर्सन हु नेवर गिव अप। ऐसे व्यक्ति को हराना बहुत कठिन होता है जो कभी हार नहीं मानता। तो आप जानते हैं कि हमारा पर डे का एक एवरीडे वर्क प्लान होता है जिसमें हम 10 वर्ड पढ़ते हैं, 10 फेजेस पढ़ते हैं, एक स्टोरी पढ़ते हैं और कुछ बेसिक ग्रामर पढ़ते हैं। तो आपको कंटिन्यूटी से कोई काम करना है। अगर आप कंटिन्यूटी से कोई काम करते हैं तो वो सक्सेसफुल हो जाता है, और अगर आप कंटिन्यू नहीं रहते तो सक्सेसफुल होने के चांसेस उसके कम होते हैं। तो मैंने जो पीछे की वीडियो बनाई है उन पार्टों को आप ज़रूर देख लीजिए, आपको इससे काफ़ी नॉलेज मिलेगी। तो हम बर्ड्स पढ़ते हैं, 10 बर्ड्स हम पढ़ेंगे। तो माइटी, माइटी का मतलब होता है शक्तिशाली। ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग वर्ड्स हैं जो मैंने लिए हैं। ये आपको बहुत सारे बैंकिंग एग्ज़ाम्स और SSC वगैरह में भी आपको काफ़ी सहायता प्रदान करेंगे। ट्रेल का मतलब होता है पगडंडी। व्रिंकली का मतलब होता है शिकन, हमारे चेहरे पर शिकन आ जाती है उसके लिए हम व्रिंकली बोलते हैं। स्मैश का मतलब होता है तोड़ना। पॉज का मतलब होता है पंजे। स्क्रीम्ड का मतलब होता है चिल्लाया। क्लॉज का मतलब भी पंजे होता है। विस्कर्स का मतलब होता है मूछें। अगला हो गया चॉम्प्स का मतलब होता है दंस। लेन का मतलब होता है गली। हॉरिएबल का मतलब होता है भयानक। और फेरोसियस का मतलब होता है क्रूर। अगर हम कहेंगे कि वो पिक्चर बहुत डरावनी थी तो हम बोलेंगे द मूवी इज़ वेरी हॉरिएबल। और फेरोसियस का मतलब होता है क्रूर, वह बहुत क्रूर व्यक्ति है, तो वहाँ पर हम फेरोसियस का यूज़ कर सकते हैं। तो हम स्टोरी पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अब मैं आपको स्टोरी बताऊंगा, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा, उसके बाद आपको स्टोरी को हिंदी में बिल्कुल नहीं सोचना है, आपको इंग्लिश में ही स्टोरी देखनी है और इंग्लिश में ही समझनी है। तो इसमें एक छोटी सी बिल्ली के बारे में बात की गई है। ये बहुत ही बहादुर समझता था अपने आप को, बहुत बहादुर बिल्ली थी भी ये, और शक्तिशाली थी, जैसा मैंने आपको बताया माइटी का मतलब होता है। तो इसमें ये बहुत ही एक शक्तिशाली हंटर की तरह अपने आप को करती थी, और पत्तों का शिकार करना और इसे ये बहुत पसंद था। तो ये एक छोटा बच्चा था बिल्ली का। तो एक बार ये ऐसे ही एक पत्ते के पीछे भागता भागता बहुत दूर तक पहुंच गया, और जब ये काफ़ी दूर निकल गया तो फिर ये खो गया, और वहाँ पर इसे एक आदमी ने पकड़ लिया, तो उसके हाथ पर इसने काट लिया और कैसे भी करके अपने आप को उससे मुक्त करा लिया। तो फिर ये बहुत खुश है कि आखिर मैं जीत गया और मैं बहुत बहादुर हूँ, कल मैं एक नया एडवेंचर करूँगा। बाकी स्टोरी आपको इंग्लिश में समझ में आ जाएगी, फिर हम इसका एक बार ओवरव्यू देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, अब आपको स्टोरी को इंग्लिश में ही समझना है। तो आई एम अ हंटर बिग एंड ब्रेव, आई कैच ऑल द लीप्स एंड थिंक्स दैट ट्रेल। दिस मॉर्निंग आई हंटेड अ लीफ, इट फेल टू द ग्राउंड, इट वॉज ह्यूज एंड ब्रिंकली एंड मेड अ वूज साउंड। इट फ्ल्यू आयरन, आई जम्प्ड एंड चेस्ड, आई शोक इट विद माई जॉज, I smashed it with my paws. I was soon all dead, crunch, stomp, crunch, chomp, totally all dead. I called my fellow hunters, little cats all, but I could not see them. I did not know where I was. I was not worried because I am brave, so like a hunter. I hide to watch and wait. I mewed. I called out loud. No one mewed back. I felt a little bad. After long, someone replied. I hide behind a big gate. Their voice was wrong. Their steps were strong. The big cat has told us about human monster. I jumped and run, but I put out its long big paws and caught me. How loudly I shout, how strongly I screamed with my claws and teeth. I tried to kill it. But the monster caught me by my neck. Like a big cat does. I picked me
up and brought me close, I could see the small whiskers in its nose. I didn't like its smell and I did not like being held, so I screamed some more and then I peed all over. That taught it a lesson. It put me on the branch. Quickly I turned and chomp I went. I held that paw tightly and bit with all my might. The big monster cried in pain. It was a funny sight. Before I could run, it caught me again and carried me somewhere from lane to lane. Then under a big tree, it put me down. I looked around. It was my own compound. I was so happy. I mewed out loud. I forget to bite the horrid monster who carried me out. I ran to my tree and called loudly my fellows, come running, and I told them my story. I am a great hunter, ferocious and brave. Today I killed a leaf and fought a monster. Tomorrow I have even more adventurous. तो इसमें आपने देखा एक बच्चा था बिल्ली का. एक बार हम ओवरव्यू देख लेते हैं जल्दी से, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं करनी है हम लोगों को. तो इसमें एक बहुत बहादुर बच्चा था ये, जिसने एक पत्ती का शिकार करने की सोची. बहुत बड़ी सी झुर्रीदार पत्ती थी, बूज का साउंड कर रही थी. वहाँ पर गया, इसने पकड़ लिया आखिरकार, कूद पड़ा और इसे काटा पत्ती को. लेकिन ये बहुत दूर पहुँच गया. वहाँ पर जाकर ये एक गमले के पीछे छुप गया और देखने लगा कि कुछ सहायता मिले. वहाँ पर जाके इसने म्याऊं जो कि म्यूट किया, मतलब अपनी आवाज़ निकाली, लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं आई. उसके बाद एक बहुत बड़ी सी आवाज़ आई. ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा और गलत आवाज़ निकाल रहा है. वो असल में ह्यूमन था एक, और उसने उसे पकड़ लिया अपने बड़े बड़े पंजों में, उस बच्चे को, बिल्ली के इसको. तो ये बहुत नाराज़ हो गया उससे और बहुत तेज़ चीखने लगा, चिल्लाने लगा और अपने टीथ से. अब वो जानता था कि ह्यूमन भी एक तरीके का मॉन्स्टर होता है. उसने सुना था अपनी बिल्लियों से. उसने पूरी दम से उसे काटा. उसके बाद जब उसे काट लिया तो वो आदमी उसे ले जाकर उसी के कंपाउंड में छोड़ आया. वहाँ पर वो अपने फेलोज से मिला और उसने बताया कि कैसे उसने एक पत्ती का शिकार किया और एक मॉन्स्टर को भी मारा. तो उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी पसंद आई होगी, और डेफिनेटली आप लगातार अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आप सक्सेस भी हो जाएंगे बोलने में और इंग्लिश को समझने में, दोनों ही चीज़ों में. ठीक है, तो हम फेजेस पढ़ेंगे अब. कॉमन फेजेस टू से आई डोंट नो. अगर आप किसी से कहना चाहते हैं कि मैं ये नहीं जानता, तो आप कैसे बोल सकते हैं? आई हैव नो आइडिया एंड क्ल्यू अबाउट दिस. ये भी बोल सकते हैं आप. आई कांट हेल्प यू देयर, ये बोल सकते हैं. वीट्स मी बोल सकते हैं. आई एम नॉट रियली श्योर, आप ये बोल सकते हैं. आई हैव बीन वंडरिंग दैट टू, आप ये सारे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं. किस जगह पर? मैं नहीं जानता या आई डोंट नो के स्थान पर. तो आप इस वर्ड्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे ये फ्रेजेस. कॉमन फ्रेजेस फॉर नॉट हैविंग एनी ओपिनियन. अगर आपका कोई ओपिनियन नहीं है उस बारे में, तो आपका कोई विचार नहीं है, तो आप इस बारे में ये बोल सकते हैं. आई हैव नेवर गिवन इट मच थॉट्स. आई डोंट हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग ईदर वे, मेरे पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैं इसके बारे में कोई फीलिंग नहीं रखता. I doesn't make any difference. It doesn't make any difference to me. मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता. I have no opinion on that matter. मेरा इस पर कोई विचार प्रस्तुत करने का मन नहीं है. तो ग्रामर का हम पोर्शन देखेंगे. इसमें मैंने आपको बताया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव पार्ट में पिछले में पढ़ा चुका हूँ. अब बीच में जो आते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स, उसके बारे में हम बात करेंगे. तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले अगर बीच में वर्ड आता है तो हम क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लगाते हैं. तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड की सबसे पहले लगाएंगे, फिर हम इज आर एम लगाएंगे. इज आर एम कैसे लगता है? ही शी इट और नाम के साथ इज लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, और बाकी जितनी चीज़ें बची उन सबके संग आर लगता है. सब्जेक्ट लगाएंगे फिर हम वर्ब लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे. अब जैसे पहला है, अब कक्षा में कौन पढ़ा रहा है, तो सबसे पहले कौन लगाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है. तो हु, उसके बाद इज, टीचिंग, फिर हम वर्ब लगाएंगे, इन द क्लास. ठीक है, तुम इस अंधेरी रात में कहाँ जा रहे हो, वेयर. सबसे पहले हम लगाए क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हमने आर लगाया क्योंकि यू लगना है उसके बाद,
वेयर आर यू गोइंग इन द डार्क नाइट? तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? वाई आर यू लुकिंग एट मी लाइक दिस? तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू, तुम क्या कह रहे हो? वेयर आर यू, वाट आर यू सेइंग? यह बच्चा इतनी ज़ोर से क्यों रो रहा है? वाई इज़ दिस चाइल्ड वीपिंग सो लाउडली? सारे इस सेंटेंस के अनुसार बने हैं, इस नियम के अनुसार बने हैं। तुम्हें अब कौन बुला रहा है? हु आर कॉलिंग यू नाउ? राहुल इस समय क्या कर रहा है? वॉट इज़ राहुल डूइंग एट दिस टाइम? बैक किसको बुला रहा है? हुम इज़ ही कॉलिंग? किसके लिए, किसको के लिए हम हमेशा हुम का यूज़ करते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट है। बाकी सारे इसी तरीके से बने हुए हैं। अब जैसे अगला लास्ट सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। तुम छत पर क्या कर रहे हो? सबसे पहले हमें क्या करना है, क्या की अंग्रेजी लगानी है, तो हमने लगा दिया वॉट। उसके बाद हमें क्या लगाना है, इज आर एम में से एक लगाना है। अब यू आएगा अगला, तो क्या लगेगा, आर लगेगा, क्योंकि ही शी इट के संग इज लगता है, तो आर हमने लगा दिया। फिर हमें सब्जेक्ट लगाना है, तो हमने यू लगा दिया। फिर हमें वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है, तो हमने डूइंग लगा दिया। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, तो हमने ऑन द रूफ़ लगा दिया। तो इस तरीके से हो गया व्हाट आर यू डूइंग ऑन द रूफ़। तो आपने ये देखा, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आया करे तो आप लाइक ज़रूर किया करें। और अब मैं वर्ड्स की भी वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें हम पर डे 10 वर्ड्स पढ़ेंगे नए, तो आपको काफ़ी पसंद आएगी। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया करें, बहुत अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है आप लोग सपोर्ट करते हैं। तो थैंक यू।